आज हमारे साथ है एक ऐसे मेहमान जो हर एक स्टेज पर, हर एक यू कहे प्लेटफॉर्म पर आपको इंटरटेन करने का मौका कभी नहीं छोड़ते, और इस बार गदर का जो धमाका है, गदर का जो बज है, उसमें खासतौर पर नजर आएंगे। हमारे साथ है गौरव चोपड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। साथ ही ट्रेलर में जो झलक देखी हमने, आवाज़ में तो अलग ही दम है आपके, यू नो कि हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं उसे, लेकिन एक भारी भरकम यू नो कि एक पर्सनालिटी नज़र आ रही है। ये वर्दी का चार्म है, क्या है, कुछ बताइए उसके बारे में। लॉकडाउन के आसपास कुछ एक ऐसी मंशा बना ली थी, कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया था कि चलो अब कुछ अलग किस्म का काम करते हैं। कुछ सेमी टाइप के रोल्स बार बार ऑफर हो रहे थे और मैं उस सॉर्ट ऑफ उस पैटर्न से निकलना चाह रहा था। मुझे लगा कि काबिलियत जो है वो ऐसी छुपी रह जाएगी और शोकेस करने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद सिर्फ 3 रोल्स को हाँ की, और उनको हाँ करने की वजह थी कि उनमें वो एक बहुत अच्छी वैरायटी दिखाने का मुझे मौका था। पहली बच्चन पांडे, जिसमें अक्षय कुमार के ऑपोजिट मेन एंटागनिस्ट का पार्ट था, वो कम्प्लीटली डार्क रोल था। फिर राणा नायडू, जो नेटफ्लिक्स के लिए था, उसमें मेरा कैरेक्टर प्रिंस रेड्डी, जो देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उसमें हर किस्म के शेड्स थे। और उसके बाद गदर, और गदर में वो वैरायटी मेरी पूरी होने का वो एक मौका, एक चैलेंज था मेरे पास, बिकॉज गदर में एक पेट्रियोटिक लार्जर देन लाइफ आर्मी ऑफिसर का रोल है, कर्नल रावत। अब कहना आसान होता है कि चलो कुछ नया करेंगे, जब आदमी करने लगता है तो फिर मुश्किलें सामने आती हैं। जब पहली बार वर्दी पहनी तो रियलाइज़ किया कि 1970 की एक्चुअल वर्दी है और उसकी फ़िट उस ज़माने की फ़िट है, आजकल की फ़िट नहीं। अब हम अपनी वेस्ट बहुत कम रखते हैं और शोल्डर्स ब्रॉड रखते हैं, हम एक वी शेप की बॉडी बना के रखते हैं। उस वक्त वो लोग एक सॉलिड ऊपर से नीचे तक एक ताकतवर दिखते थे। वैसे 20 दिन तो सिर्फ मूछ डिसाइड करने में निकल गया कि मूछ कितनी लंबी, कितनी पतली, कितनी भारी होनी चाहिए। फिर वर्दी पहनकर मुझे लगा कि थोड़ा डील डॉल भी चेंज करना पड़ेगा, और ये आजकल वाली जिम नहीं कर सकता मैं उसके लिए। तो मुझे अगर वो 1970 का एक सॉलिड इंडियन ऑफिसर मर्द लगना है तो फिर मुझे वैसे ही खाना खाना पड़ेगा, मुझे वैसे ही वर्जिश करनी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट पहलवानी वाली एक्सरसाइजेस की, बहुत पराठे खाए, बड़ा मज़ा आया। नॉर्मली हम लोग थोड़ा कम करते हैं, पर इसके दौरान खाए, पेड़ों से लटका, दंड पेले, सूर्य नमस्कार से शुरुआत करता था, बहुत मज़े किए, बहुत मज़ा आया। उससे एक ओवरऑल शरीर पर एक वज़न पुट ऑन किया कुछ 20-25 दिनों में, और उसका असर वर्दी पहनते ही मुझे महसूस हुआ। तो बिल्कुल चेहरा और बॉडी ही बदल गई, और यही मैं चाहता था कि लोग जिन्होंने आखिर में मुझे गदर से पहले राणा नायडू में देखा हो, वो गदर में इतनी आसानी से पहचाने ही नहीं, उन्हें ऐसा कहना पड़े, अरे ये गौरव है क्या। तो मैं चाहता था कि ऐसा सरप्राइज़ मैं लेकर आऊँ, क्योंकि मैं वैरायटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ, आवाज़ के साथ साथ, लहजे के साथ साथ, बात करने के रवैये के साथ साथ, एक डील डॉल में भी फ़र्क होना चाहिए। तो गदर में वो सरप्राइज़ लेकर मैं ज़रूर आऊँगा, और वो पर्सनालिटी और वो जो रुतबा उस वर्दी का है, वो तो फिर हमारे देश की वर्दी है, वो पहनते ही आ जाती है, वो इट्स अ मैजिक थिंग। मैं उन दिनों कंटोनमेंट एरिया में ही रह रहा था, आर्मी ऑफिसर्स के साथ उठ बैठ रहा था, हमारे फिल्म में कंसल्टेंट्स थे कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, तो बहुत बातचीतें हुई, बहुत उनके साथ चाय पी, बहुत उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना समझा। तो उस दौरान माहौल ही कुछ ऐसा हो गया था कि शायद मैं कर्नल रावत बन गया था। बहुत सारे गार्ड्स, जैसे सिक्योरिटी वाले गार्ड्स जैसे सल्यूट करते थे, मैं भी नॉड करता था। एहसास नहीं होता था कि हम कुछ झूठा कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट ये वाली मेमोरी मेरे लिए स्पेशल रहेगी। ये सवाल जो आपने पूछा, ये अपने आप को गौरव चोपड़ा से बदल के कर्नल रावत जो बनाया, वो कहीं मेरे साथ रह जाएगा, क्योंकि कहीं वो प्रोसेस काफ़ी सच्चाई से हो गया। साथ ही गौरव, आपकी जो जर्नी रही है, हम यू नो सालों से देखते रहे, जानते हैं, लेकिन जो कोविड के बाद जो चेंज हुआ, एक ट्रांजिशन हुआ आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, और यू नो कि एक्टर्स टूट जाते हैं वहाँ पर, यू नो कि बहुत ही फेस करना पड़ता है काफ़ी कुछ, वहाँ से बाउंस बैक करना कितना मुश्किल था गौरव आपके लिए? ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। बहुत सारे लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं, वो 2020 में जो शुरू हुआ, बहुत सारे लोग उस लोगों के घर पर ट्रेजेडीज़ हो गई, और बहुत सारे लोगों के घर पर कुछ ऐसी बातें हो गई जिनके अंदर कुछ क्लोजर नहीं मिल सका, जिनमें बात अच्छे से हो नहीं सकी।
रिश्ते टूटे, परिवार में कोई ना कोई चला गया, अच्छे से इलाज नहीं कर पाए, कंफ्यूजन था, बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, मुश्किल वक्त था पूरी दुनिया के लिए। और वो सब जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब सेम नाव पे सवार हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी एक्टर की ज़िंदगी में ये आसान हो जाता है। जो मुश्किलें आपने फ़ेस की वहीं मैंने भी फ़ेस की। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी, जब आप लड़खड़ा जाएं और गिर जाएं और घुटने पर चोट आ जाए और फिर वापस उठने में तकलीफ़ हो रही हो, तो ये याद रखिए कि क्योंकि अब आप गिरे थे, अब उठने के अलावा कोई और नेक्स्ट स्टेप है ही नहीं, अब उठना ही होगा। और उठने का मतलब है कि जो सिचुएशन पहले थी, अब आपको उससे बेहतर उठना होगा। तो इस प्रॉब्लम और इस तकलीफ़ से पहले वाले गौरव से भी बेहतर गौरव बनने की चेष्टा है, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज ए ह्यूमन बींग। मैं ये चाहूँगा कि मैं अब पहले से ज़्यादा समझदार, पहले से ज़्यादा सेंसिटिव, पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदार ह्यूमन बींग बनूँ, तब इस चोट का होना, इस तकलीफ़ को सहना और फिर उससे उभर कर खड़े होने का कुछ मतलब है। तो अपने लिए भी इसे एक लर्निंग प्रोसेस बना लीजिए, और चाहे कितना भी अंधेरा आपने देखा हो, हमेशा याद रखिए रात के बाद सुबह होती ही है। साथ ही गौरव, अगर जर्नी की बात करें तो हर एक प्लेटफॉर्म पर आपने यू नो कि लोगों का दिल जीता, वो चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो या कोई भी अटायर में आप कोई भी गेटअप में नज़र आएँ, वो हमें याद रहता था। जब स्ट्रीम बदलते हैं या फिर कहा जाए मीडियम बदलते हैं, क्या कुछ फेस करना पड़ता है? क्योंकि हमने कई बार सुना है एक्टर से कि जब फिल्में करने जाते हैं या वेब शो या कोई भी प्लेटफॉर्म पर अदर जाते हैं टेलीविज़न एक्टर, तो काफ़ी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उसके बाद? देखिए, ज़्यादा डिफाइन नहीं करना चाहता क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है। कोई एक इंसान जानबूझ के आपके साथ ऐसा नहीं करता, एक परसेप्शन की दुनिया है। हमें परसेप्शन के बेसिस पर काम मिलता है आजकल, एक्चुअली काबिलियत के बेसिस पर नहीं। आपके बारे में जो धारणा है, उस धारणा के हिसाब से आपकी कास्टिंग होती है। अगर आप इस वक्त बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आपको और अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। ये नेसेसरीली आपकी काबिलियत के हिसाब से नहीं होता, ये आपके आसपास जो बज है उसके हिसाब से होता है। ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, हमारी इंडस्ट्री में भी है, पर हमारी इंडस्ट्री में तो वैसे भी दिखावा और परसेप्शन का ही खेल है, तो इसलिए वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती है। प्रोजेक्ट्स में आपको साइन किया जाता है, आपकी काबिलियत की तारीफ़ की जाती है, आपको सर बुलाया जाता है, आपको आपके पैसे दिए जाते हैं। बट जैसे ही आपकी बराबरी सामने किसी बड़े स्टार से होती है, तब वहाँ उन्हें फिर थोड़ी सी तकलीफ़ होने लगती है। वो बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते, वो प्रमोशंस में आपको बराबर पे नहीं रखना चाहते, वो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दे रहे हैं प्ले करने के लिए, पर उस कैरेक्टर के हिसाब से प्रमोशंस में आपको नहीं रखा जाता, आपको होर्डिंग से लास्ट मिनट पे निकाल दिया जाता है, आपकी शूट कैंसिल कर दी जाती है, ऐसे बहुत कुछ होता है। पर इस सब के बारे में मैंने कभी ज़्यादा बात करना ठीक इसलिए नहीं समझा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मौके की बात है। हमने राणा नायडू किया, उसके लिए दो अवार्ड्स मिले, अब हम गदर कर रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इसमें लोग पसंद करेंगे और इसके बाद अगला स्टेप और आसान हो जाएगा, फिर एक कदम के बाद और आसान हो जाएगा, एक कदम के बाद और आसान हो जाएगा। तो वो कोशिश करते रहना हमारा एक जज्बा होना चाहिए, कंप्लेन करने की बजाय। बट आप पूछ रहे हैं कि तकलीफ़ है कि नहीं, हाँ है। वो बाहर वाला होना, गॉडफादर ना होना, इंडस्ट्री में कोई बैकिंग ना होना, ये प्रॉब्लम तो मैंने पहले दिन से फेस की थी। पर उस प्रॉब्लम के बावजूद एक अपनी काबिलियत पे भरोसा रखते हुए, एक अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हुए, उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने देते हुए आप कोशिश करते रहिए और होपफुली कल जब वो सूरज आएगा तो वो आपका सूरज होगा। साथ ही आते हैं राणा नायडू पर, यू नो कि वो अलग ही किरदार, यू नो कि क्या कहेंगे, कहाँ से वो पाए आप, कहाँ से पाया आपने वो किरदार, यू नो कि क्या कहानी है उसके पीछे? राणा नायडू की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एक ऐसे वक्त पर मिलेगी जब मैं बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए बस निकल ही रहा था और मुझे लगा बड़ा मज़ा आएगा, मैं वहाँ सड़क का गुंडा बना हूँ और यहाँ देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनूंगा, वाह
कितना अच्छा वेरिएशन दिखाने का मौका मिलेगा। अगेन सिलेक्शन हो गया, बहुत तारीफ हुई, दो तीन मेरे टेस्ट हुए थे, उन टेस्ट की वो टेस्ट ऐसे लेजेंडरी बन गए, वो मतलब बातों में आने लगे कि वो टेस्ट में जो तुमने वहाँ पे इम्प्रोवाइज़ किया था, वो जो तुमने लाइन बोली थी, वैसा हम करेंगे। जब सेट पर शूट करना शुरू किया राणा रघुपति के साथ, वेंकटेश सर के साथ, तो अचानक इस बात का एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा शो है, इसमें कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं और कितने इक्विप्ड और अच्छे एक्टर्स। तो करण अंशुमन जो हमारे राइटर डायरेक्टर थे और सुपर्ण वर्मा जो हमारे दूसरे डायरेक्टर थे, उन दोनों की एनर्जी बड़ी अलग है, उन दोनों के साथ कुछ एक अलग किस्म की ट्यूनिंग, एक अलग किस्म की केमिस्ट्री बन गई। और कब हमने प्रिंस रेड्डी को इम्प्रोवाइज़ करके कहानी से चार कदम ऊपर ले गए उसे, और उसकी चीज़ इतनी खूबसूरत और इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई, ये बताना मुश्किल है। मैंने कहाँ से वो कैरेक्टर पकड़ा मैं नहीं बता सकता, एज एन एक्टर बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, और अगर मैं कमज़ोर हूँ या बुरा हूँ या अच्छा हूँ या कैसा भी एक्टर हूँ, आज दिख जाने वाला है, आज नहीं छुपेगा। कुछ 15-20 दिन लग गए सिर्फ उसकी हंसी फिगर आउट करने में। मैं नॉर्मली हंसता हूँ तो मेरी आवाज़ वैसी है, वैसा हंसता हूँ, पर मुझे प्रिंस रेड्डी के लिए एक थोड़ी क्रेजी लाफ्टर चाहिए थी, तो वो करके वो हंसना शुरू करता है। वो 15-20 दिन लग गए फिगर आउट करने में। तो ऐसे मतलब लिटरली एक एक वन पीस एट अ टाइम करके वो किरदार बना, और हम सब के लिए ही वो एक बहुत इन्जॉयबल एक्सपीरियंस बन गया। तारीफ बहुत मिली, प्यार बहुत मिला, इज्जत बहुत मिली, दो अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं उसके लिए। सो एक्टर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाए और फिर बाद में इतनी तारीफ और अवार्ड्स मिल जाएं तो बस फिर हो गया काम। साथी अगर बात की जाए, दो बस, ज़्यादा कुछ नहीं, दो क्वेश्चन। साथी यू नो कि साउथ में जो आपने उन सुपरस्टार के साथ काम किया, उसके बाद यहाँ पर काम करना, क्या डिफरेंस क्या नज़र आता है वो एक्टर्स में और यहाँ के एक्टर वहाँ के एक्टर? खैर आज पैन इंडिया है, सारी फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आती है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आती है, फिर भी क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, वो थोड़े से ग्राउंडेड हैं, थोड़े से रियल हैं ज़्यादा, उनके साथ जब दोस्ती होती है तो बिल्कुल 1-to-1 हो जाती है, और वो उनके काम में दिखता है, वो ऑनेस्टी और वो रियल होना उनके काम में दिखता है। बट जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अब ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, और क्या हुआ कि पंजाबी में बोला, कि तेलुगू में बोला, कि तमिल में बोला, कि मलयालम में बोला, मेरे देश की भाषा, और कोई कहीं से भी पैसा कमाए या नाम कमाएगा, RRR वहाँ गई और ऑस्कर्स में, हाँ तो इंडिया का झंडा ऊपर हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ, तो मेरे लिए तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। इसके बाद एक पंजाबी फिल्म के लिए हाँ की है जिसमें हाजी मस्तान बना हूँ, तो मेरे हिसाब से वो बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त है ऑडियंस के लिए भी, कि आपको जो अच्छा लगे आप किसी भी भाषा में देख सकते हैं, उसे आपकी भाषा में डब कर दिया जाता है, सब टाइटल्स दे दिए जाते हैं, तो अब आप किसी भी किस्म का एंटरटेनमेंट जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। फाइनली क्या कुछ कहेंगे आपके जो फ़ैन हैं, यू नो आपके जो दर्शक हैं, यू नो इंतज़ार करते हैं आपके हर बार नज़र आने का, उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? फाइनली सनी पाजी और पूरी बड़ी कास्ट, उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो बहुत ही खूबसूरत था, सनी सर के साथ, अमीशा के साथ, उत्कर्ष के साथ, मनीष के साथ, सबके साथ, पर गदर का हिस्सा होना एक मैटर ऑफ प्राइड है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको हमेशा से मोहब्बत मिलती आई, अब उस जहाज़ पर कहीं मेरा भी नाम लिखा है तो आई एम रियली ऑनर्ड। ऑडियंस से इतना ही कहना चाहूँगा, 11 अगस्त को गदर 2 आ रही है, ये वो पारिवारिक एंटरटेनिंग फिल्म है जिसका इंतज़ार आप कब से कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ जाइए, उस सिनेमा की टिकट की पैसा वसूली की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आप हंसेंगे, आप आंसू भी बहाएंगे, आप नारे भी लगाएंगे और आप डांस भी करेंगे। आई एम प्रोमिसिंग यू दैट दिस इज़ द एंटरटेनमेंट दैट यू वेटिंग फॉर। थैंक यू सो मच गौरव, उम्मीद करते हैं कि जैसा आपका जादू पहले चला है इस बार भी गदर के साथ चले। थैंक यू सो मच आपसे बात करने के लिए। कैमरा में सादाब जैदी के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।